नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। पिंजरे में कबूतर और चबूतरे पर पाक के मुल्ला जी एक ही ठिकाने पर ऊपर नीचे होते रहते हैं। कल पाकिस्तान में यही देखने को मिला है, जिसके बाद बल्ब चोर सेना और आम लोगों की नींद हराम हो गई। स्थिति यह तक हो गई कि पूरे कराची में ब्लैकआउट कर दिया गया। दरअसल यहां सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ी कि कुछ अज्ञात विमान कराची के ऊपर उड़ान भरते देखे गए हैं। इसके बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। कहा जाने लगा भारत ने पीओके पर चढ़ाई कर दी है और उसने कराची के वायु क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया है। इसके बाद पाकिस्तान के लड़ाकू विमान भी हवा में प्रवास करते हुए नजर आए, यहां तक कि शहर की बिजली तक काट दी गई। पाकिस्तान में अचानक मची इस दहशत का आलम यह हुआ कि लोग अपने घरों में जा डूब गए। पाकिस्तानी एयरफोर्स के विमान भी कराची के ऊपर उड़ान भरते देखे गए। हालांकि पाकिस्तान ने ऐसी किसी खबर की पुष्टि नहीं की है, लेकिन कथित लड़ाकू विमानों के उड़ान भरने की खबरों के बाद यहां के लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया है। यह घटना कल रात कराची के एयर स्पेस में हुई है। बताया जा रहा है कि कराची में 10 से ज्यादा लड़ाकू विमान देखे गए। यह सभी विमान इंडियन एयरफोर्स के बताए जा रहे हैं। इन विमानों के कराची में घुसने के बाद पाक फौज में खलबली मच गई, जिसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा अपने JF-17 को इन विमानों का पीछा करने के लिए भेजा गया, मगर तब तक यह विमान वहां से निकलकर जा चुके थे। इसके बाद पाकिस्तान ने हाफिज सईद की सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी है। पाकिस्तान को संदेह है कि इन लड़ाकू विमानों का निशाना हाफिज सईद हो सकता है। इसके साथ ही पीएफ ने रात को पेट्रोलिंग करने का फैसला भी किया है। इस घटना से पाकिस्तान में पाक फौज पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जिसकी बेहद चौकसी के बाद भारत के फाइटर प्लेन कराची तक पहुंच गए और इसके बावजूद वे उनका पीछा तक नहीं कर पाए। हालांकि अभी तक इस घटना पर भारत और पाकिस्तान ने कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है, मगर पाकिस्तान ने विमानों को इंडियन एयरफोर्स का विमान बताया है। हालत यह है कि डर के मारे पूरे पाकिस्तान में सन्नाटा पसरा हुआ है। पाक विशेषज्ञों का मत है कि भारत द्वारा ऐसी कार्रवाई पाकिस्तान की वायु शक्ति की टोह लेने के लिए की गई है। ऐसी उड़ानें दुश्मन मुल्क की रडार प्रणाली और डिफेंस की परख के लिए की जाती है। आमतौर पर वायुसेना ऐसा अभ्यास इतनी तेजी से करती है कि शत्रु सेना अक्की बक्की रह जाती है। इस तरह के ऑपरेशन में विमान सीधे उस इलाके में पहुंच जाते हैं और फिर बिना रुके दुगनी गति से भी वापस लौट आते हैं। अगर इंडियन एयरफोर्स ने यह कारनामा किया है तो पाकिस्तान की चिंता बढ़ना लाजमी है, क्योंकि उसके तमाम रडार सिस्टम इस एक्टिविटी को कैच नहीं कर पाए। इसका मतलब यह है कि बल्ब चोर सेना बालाकोट के बाद भी नींद से नहीं जागी है। कहने वाले तो यह भी कह रहे हैं कि अगर भारत के विमान पाकिस्तान में अंदर तक आ सकते हैं तो उनका कोई भी शहर इंडियन एयरफोर्स की जद से बाहर नहीं है। यानी भारतीय सेना पाकिस्तान के किसी भी कोने में जाकर भारी तबाही मचा सकती है। वैसे इसका नमूना रात में पाक फौज और इमरान सरकार ने भी देख लिया होगा। अब अगर इंडियन एयरफोर्स का निशाना हाफिज सईद रहा होता तो वह मिशन भी जरूर पूरा होता, मगर यह सिर्फ एक टेलर था जिसे कराची के लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। इसका मतलब यह है कि भारत जब चाहेगा हाफिज को ठोक सकता है। यह अलग बात है कि बाद में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने कराची के ऊपर उछल कूद करके लोगों से गद्दैया नृत्य करा दिया, मगर बाद में परछाई पीटने से बहादुरी साबित नहीं होती है। इंडियन एयरफोर्स के शौर्य से यह भी इशारा मिल गया है कि पीओके को लेकर मोदी सरकार कितनी गंभीर है। पीओके को हासिल करने में वायुसेना को सबसे बड़ी भूमिका निभानी होगी। ऐसे में पाकिस्तान के शहरों पर ऐसी उड़ाने भरकर उसके भीतर ज्यादा से ज्यादा घबराहट उत्पन्न करनी चाहिए, क्योंकि शत्रु को ठोकने से पहले उसे इतना भयभीत कर दो कि जब उसे ठोकने चले तो वह पहले से ही तहमत उतार कर खड़ा हो जाए। जैसे कि आज पूरे पाकिस्तान में मुल्ला पान खाना भूल गए हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।